अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दर्जा अव्वल की मेरी किताब हिस्सा सोम से के एक चैप्टर्स का मुताला करेंगे और जल्द अज जल्द बुक को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 238 से आगे बढ़ते हुए 239, 40, 41, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, यहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सफ़ा नंबर 238। सफ़ा नंबर 238 ये एबिलिटी इन मेंटल एंड फिज़िकल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। इसमें एक तस्वीर है, इस तस्वीर को रंग भरना है, तो आप लोग इसको रंग भर लीजिएगा। इसमें हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें जो हैं इन तस्वीरों में हमें फ़र्क तलाश करना है कि क्या क्या फ़र्क है। 6 फ़र्क हमें निकाल करके दिखाना है। तो शुरू करते हैं, गौर से देखिए इसको और फिर इसको, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो ये जो तस्वीर है और इस तस्वीर में, इस तस्वीर में बहुत कुछ है जो इस तस्वीर में नहीं है। ऐसे 6 अनासिर हमें तलाश करके लिखने हैं। तो पहला क्या नहीं है, अच्छा देखिए यहाँ पे पेड़ के ताड़ के पेड़ हैं जबकि यहाँ नहीं है। तो एक नंबर में हम लोग लिखेंगे आप यहाँ पे। ताड़ के पेड़। दूसरे नंबर में और क्या नहीं है, अच्छा यहाँ देखिए ये एक घाट बना हुआ है, ठीक है, नहाने का घाट। यहाँ पे तालाब में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं। नहाने का घाट। अच्छा और देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। ये देखिए पुल है और यहाँ पुल नहीं है। तो तीसरे नंबर में क्या होगा, जी यहाँ पे फ़र्क है पुल का, पुल नहीं है। और क्या है, अच्छा ये देखिए चिड़ियों के उड़ने की जगह जो है, दोनों में फ़र्क है। चार नंबर में लिखेंगे हम लोग चिड़ियों का मुकाम, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए खेत है, ठीक है, यहाँ पे पूरा मैदान है, ठीक है। तो पांच नंबर में क्या होगा, जी लिखते हैं, काश्त की जमीन, ठीक है, काश्त की जमीन यहाँ नहीं है। और क्या नहीं है, अच्छा देखिए ये एक रास्ता गुजर रहा है जबकि यहाँ
रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये रास्ते का भी फर्क है, ठीक है। यहाँ पे अब लिखते हैं रास्ते का फर्क। इसके अलावा भी आप लोग गौर कीजिए, शायद कुछ मिल जाए आप लोगों को, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक बहुत मारूफ खेल है, लूडो का खेल हम लोग घर में खेलते हैं। लूडो छह पहलू का उसका ये होता है, गोटी। 1 2 3 4 5 6, छह पहलू में छह तरह के आदाद होते हैं। आगे सवाल जवाब करना है। छः आने पर गोटी घर से निकलती है, छः आया और गोटी निकली, दोबारा छः आने पर गोटी आगे बढ़ सकती है। तो ये पहली बात तो उसने यहाँ पे किताब में दी हुई है। इस बार एक आया, वो गोटी कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी बच्चों जी? एक खाना, एक घर आगे जाएगी, है ना। अच्छा, दोबारा छः आने पर क्या होगा, दोबारा छः आने पर गोटी छः खाने आगे जाएगी या फिर नई गोटी निकलेगी? तीन आने पर गोटी कितनी दूर जाएगी जी? एकदम इजी है ये, तीन आने पर तीन खाने जाएगी। चार आने पर गोटी कितनी दूर जाएगी? चार खाने। चार खाने जाएगी। पांच आने पर गोटी कितने दूर जाएगी? वही पांच खाने जाएगी, पांच घरों में पांच खाने। चलिए आगे चलते हैं। अब सफा नंबर हम लोग 241 में आ गए। यहाँ पे एक काम है, बहुत इजी से काम है, जंप ओवर वन नंबर एंड सर्कल इट, सर्कल इट, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक नंबर छोड़ करके कूदना है। तो दो के बाद हमें कितने में कूदना है, एक तो मिसाल आपको दी हुई है, एक के बाद देखिए ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये थ्री होगा, ये थ्री होना चाहिए, ये दो के बाद दो लिखा हुआ है, बहुत बड़ा भूल है, ये असल में होना चाहिए तीन। तो हम लोग यहाँ पे तीन अप करेंगे, ये असल में तीन है, ठीक है। तीन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, पाँच, पाँच के बाद किसे कॉल करेंगे, सात, सात के बाद किसे कॉल करेंगे, नौ। तो इसी तरह हम लोग जंप मार मार के आगे बढ़ते रहेंगे। दो से जब जंप मारेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाँच में, पाँच से जंप मारेंगे तो सात में, ठीक है, इसी तरह जाएंगे। लिसन लिसन डू इट अगेन, अच्छा अब दोबारा करना है। दस से जंप मारा तो आठ में, आठ से जंप मारेंगे तो कहाँ जाएंगे, सात छोड़ करके छः में, पाँच छोड़ के चार में, तीन छोड़ करके दो में, इसके बाद आगे नहीं है। तो यहाँ से जंप मारना है, इस तरह से जाना है, ठीक है। यहाँ से जंप मारिएगा, कहाँ पहुँचिएगा, यहाँ, ठीक है। चलिए आगे, सर्कल टू फोर सिक्स एंड एट। यहाँ पे टू फोर सिक्स एट को ढूंढ करके आपको सर्कल करना है। तो देखिए हम लोगों का टू कहाँ कहाँ है, टू टू टू, और टू कहाँ है, देखिए टू तीन ही जगह नज़र आ रहा। चलिए अब फोर की तरफ चलते हैं, फोर, ये रहा फोर। अच्छा, सिक्स कितनी जगह है, सिक्स सिक्स सिक्स। एट कितनी जगह है, एट
एट, और कहीं पेट है? नहीं है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 242। यहाँ पे एक छोटा सा तारुफ है नदी की, दरिया का। तो दरिया का तारुफ जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कदीम ज़माने के इंसान दरिया के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? दरिया के किनारे, और उसका पानी पीते थे। दरिया के पास वाली ज़मीन में काश्तकारी करते और मछलियाँ पकड़ते। दरिया ही इंसानों की ज़िंदगी थी। ये कदीम ज़माने में हुआ करता था। आगे, आज हम लोग दरिया के किनारे पिकनिक मनाने आए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। दरिया में कोई कश्ती खेता जा रहा है, ये देखिए कश्ती खेने की तस्वीर, और कोई मछलियाँ पकड़ रहा है, बहुत से लोग मछली पकड़ रहे हैं, और कोई दरिया के किनारे गुसल कर रहा है। दरिया के किनारे काफ़ी भीड़ है। तो ये एक नदी है, एक दरिया है, और दरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नीचे दरिया से मुतलिक चंद सत्र लिखें। तो चंद सत्र हम लोग लिखेंगे दरिया के मुतलिक। आप लोग बताइए बच्चों क्या लिखें। चलिए यहाँ लिखते हैं, दरिया से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। आगे, दरिया के किनारे ज़मीन ज़रखेज़ होती है। दरिया से सिंचाई में मदद मिलती है। तो बहरहाल इस तरह से और भी जुमले बना सकते हैं। आगे चलते हैं, बंगाल की नदियाँ। अब बंगाल की नदियों को यहाँ कंप्लीट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पे के बाद क्या होगा? दाल, मीम, अलिफ। क्या हुआ? ये हुआ पद्मा। उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा? ते, वाव, सीन, अलिफ, रे बीच में देना होगा। तोरसा यहाँ लिख देते हैं, तोर सा। अच्छा, इधर देखिए यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए ये है जल ढाका, जल ढाका भी लिख देते हैं, जल ढाका। और ये देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सतलज, जी, सीन, ते, लाम, जिंग, सतलज। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? इच्छा मा ती, इच्छा मती, इच्छा मती। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये भागीरथी है। तो भागी, यहाँ पे असल में यहाँ पे रा होना चाहिए, भागीरथी, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, भागीरथी,
आगे ये देखिए, ये क्या होगा, हुगली नदी, हुगली, हुगली नदी। आगे यहाँ देखिए, ये होगा रूप नारायण, रूप, देखिए यहाँ भी गलती हो गई है ना, यहाँ पे अलिफ होगा, ये नहीं होगा, गलत, नारायण, रूप नारायण। आगे ये देखिए, यहाँ पे कौन सी नदी होगी, हाँ, अजय, ठीक है, कौन सी नदी है, अजय, और ये दामोदर, दामोदर। तो ये जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा ये है कि बंगाल की नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इस नदियों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लूडो का खेल फिर आ गया है, 6 के बाद 3 आने से कहा जाएगा 6 का 3, सही बात है, बिल्कुल। 6 के बाद 4 आने से क्या कहा जाएगा, 6-3 कहा जाएगा, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, यहाँ 6-4 कहा जाएगा, ठीक है, या 6 का 4 कहा जाएगा। 6-3 आने के बाद एक गोटी कितने घर आगे बढ़ सकती है, 6-3, इसका मतलब है 9 खाने। 6 के बाद दोबारा 6 आ सकता है, ऐसा आने होने पर कहेंगे 2-6 आया, उस वक्त आप दोबारा अपनी चाल चल सकते हैं, उसके बाद अगर 1 आया तब हम कितने घर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो बात यह है कि पहले 6 में अगर हम निकलेंगे तो 6 और 1 7 घर बढ़ेंगे, और अगर दोनों 6 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने घर आगे बढ़ेंगे, 6 फिर 6 प्लस 1, इसका मतलब है हम लोग 13 खाने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 4 नंबर में आइए, ऊपर लूडो के खेल की तस्वीर है, कितना आने पर पहली गोटी बाहर निकल सकती है, कितना आने पर बाहर निकल सकती है, जी 6 आने पर, है ना, 6 आने पर, कौन सी गोटी पक्की है, सब्ज या नीली। तो यहाँ पे देखिए, सब्ज यहाँ पे देख लीजिए आप लोग के लाल होने वाली है, बस 1 आएगा और लाल हो जाएगी, और नीली गोटी को अभी बहुत दूर चल के जाना है, तो कौन सी गोटी है पक्की, सब्ज, सब्ज। चलिए, अच्छा तुम सब्ज और नीली गोटी लेकर खेल रहे हो, 6-5 गिरा, तुम कौन सी गोटी से आगे बढ़ोगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ तो 1 में अटका हुआ है, तो इसको हम चल ही नहीं सकते, चलना होगा नीली गोटी को, तो कौन सी गोटी को लेके चलेंगे हम लोग, यहां कौन सी लिखेंगे, नीली। आगे आइए, वो गोटी कितने घर आगे जाएगी, जब 6 और 5 आया है तो कितने घर आगे जाएगी, बहुत इजी है, 6 और 5, 11 खाने। चलिए ये भी हो गया, अब और आगे बढ़ते हैं, आइए, ये जो है एक अहम चैप्टर है इंग्लिश का, डबल वोवेल फिर आ गया है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड से दीज वर्ड्स, बुक किताब, हुक किसी चीज को टांगने का यह है, हुक, मून चांद, स्पून चम्मच, रूट, रूट का मतलब पेड़ नहीं हुआ ये, जड़, जड़ ये हुआ, ये हिस्सा जो है रूट है, पुल, पुल वो आबी हिस्सा, आबी इलाका जिसमें मछली वगैरह रखे जाते हैं, ये है पुल, ठीक है, मछलियां नहीं हुआ पुल का मतलब, पुल का मतलब आबी इलाका। से विथ योर टीचर, बून, फूड, गुड, लुक, मून, नून। तो ये सारे अल्फाज आप लोगों ने प्रोनाउंस करना सीख लिया, डबल ओ के ओ को, फिर से एक बार देखिए, बून,
फूड गुड लुक मून नून लेट्स लिसन एंड से आई लुक एट द मून द बुक इज गुड आई लुक एट द मून द बुक इज गुड लेट्स कुक फूड ही स्टूड बिसाइड द पूल आई लुक एट द मून मैं चांद देख रहा हूँ द बुक इज गुड किताब अच्छी है लेट्स कुक चलिए खाना बनाते हैं ही स्टूड बिसाइड द पूल वो पूल के पीछे खड़ा है आगे आ गए अब हम लोग सफ़ा नंबर 246 में यहाँ पर भी सरसरी तौर पर निकल जाएंगे बरसात का मौसम आया है बरसात का मौसम गीत खुशी के गाओ हरदम पानी बरसे झमझम झमझम जुगनू चमके चमचम चमचम बरखा बरसे बदली छाई हर जानिब हरियाली आई पानी से भर जाते नाले मेंढक निकले पीले काले बोले पपीहा नाचे मोर कैसा है बारिश का शोर रस्ते में है कीचड़ फिसलन गिर गए देखो भाई जुम्मन आया है बरसात का मौसम गीत खुशी के गाओ हरदम तो ये बरसात का मौसम है इसको बार बार पढ़िएगा और हिज्जे मतन कीजिएगा तोड़ जोड़ कीजिएगा इसमें अभी कुछ काम नहीं है इसलिए हम और कुछ कराने भी नहीं जा रहे हैं आगे हाँ अब यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है तस्वीरों को गौर से देखकर उसी मुनासबत से आप आवाज़ मिलाइए और बाएं खाने में लिखिए ये है आवाज़ झिम 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 टप टप सो सो आगे बात समझ में तो यहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ धीमी बारिश है यहाँ हवा चल रहा है तेज़ तो बहुत तेज़ बारिश में कैसी आवाज़ आती है वो अब हम लोग लिखेंगे ठीक है कैसी आवाज आती है बच्चों झिम झिम अच्छा और जब हल्की फल्की बारिश हो तो कैसी आवाज आती है टिप टिप और हवा चलने से एक मिनट हाँ सो सो हवा चलने से कैसी आवाज आती है सो सो तो यहां भी हो गया हम लोगों का काम अब और आगे चलते हैं यहां पे कुछ काम नहीं दिया हुआ है सिर्फ बताया गया है कि 10 के दो फूल गोंधे गए हैं ठीक है बड़े फूल जो है हर फूल में 10-10 फूल हैं हर माला में 10-10 फूल हैं और जो नामुकम्मल है उसमें कितने फूल हैं वो गिन करके आपको बनाना है इसको इसकी मिसाल दी गई है देखिए 10-10 और यहाँ एक एक और 20 कितना हुआ 21 छः और 20 26 दो और 20 22 सात और 20 27 तीन और 20 23 दो और 8 28 चार और 20 24 नौ और 20 29 पाँच और 20 25 10 और 20 30 काम आगे आएगा अच्छा यहाँ आ जाइए ये एक नया काम आया लेट्स सी एंड सर्कल द राइट वर्ड यहाँ क्या करना है देखिए ये क्या है चम्मच चम्मच को क्या बोलते हैं बैट स्पून रूट क्या बोलते हैं तो ये तो स्पून किया ही हुआ है पहले से सर्कल किया हुआ है ठीक है चलिए सही है ये क्या है किताब बी खुक बुक क्या होगा तो ये हो जाएगा जी 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 बुक आगे ये क्या है रूट रेट पुल क्या है ये जी ये रूट है आगे ये क्या है नून स्पून मून तो ये जी ये है मून आगे हाँ ये क्या है जीप पूल लीफ एकदम इजी है पूल है ये क्या है तुम लोगों को पता ही है हुक है ठीक है तो ये हमारा हो गया काम
आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या बड़ी थाली है, बड़ी रिकाबी में 10-10 फूल करके, सब बड़े में 10-10 हैं, और नीचे में ये खुर्दा है, खुला हुआ है, तो कितने हैं? देखिए 10-10 और नीचे 5, 25 हुए, एक कर दिया गया। यहाँ कितने हैं? चलिए तो यहाँ पहले नीचे गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं? 7, 7 हम लोग लिखेंगे। ये देखिए 7 लिखा, ओ सॉरी, ये हमें उर्दू में लिखना है ना, अभी उर्दू ही में लिखते हैं। चलिए सात, 10 और 10 कितने हुए? 27। यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाह, 9 हैं। फिर कितने हैं? 10 और 10 कितने हुए टोटल? 29। ये भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, खाली खानों में बात के आधार लिखिए, बहुत आसान है बच्चों, लिख लीजिए। 23 के बाद कितना होगा? 24। 26 के बाद 27। 29 के बाद 30। 20 के बाद 21। अच्छा, 29 से पहले क्या होगा? कितना के बाद 29 होता है? 28 के बाद 29 होता है। 21 कितने के बाद होता है? 20 के बाद। 25 24 के बाद होता है। 28 27 के बाद। ये भी सॉल्व हो गया। पहले, दरमियान और बाद के आधार लिखें। 29 से पहले कितना होगा? 28। 29 के बाद 30। 21 के बाद 22। 22 के बाद 23। अच्छा, 25 से पहले 24। 24 से पहले 23। 23, 24, 25। चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं। ये है सफा नंबर 251। अच्छा, यहाँ खाली खानों में 1 से 30 तक के आदाद लिखें। ये जो खाली खाना है, इसमें क्या लिखना है? 1 से 30 तक। तो किधर एक होगा? अच्छा, ये इधर से इधर जा रहा है ना, और ये इधर से इधर आ रहा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, देखते हैं। चलिए, इसको 1 लिखा हमने, इसको 2 लिखा, 3, 4, 5, 6, 7, जा, ये तो गलत हो गया। 8 यहाँ हो गया, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ऐसा काम करते हैं कि गड़बड़ को भी गड़बड़ में ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं, 9, 10, हाँ यहाँ तो ठीक हो गया, 11 सही है, 12, 13, 14, इसका मतलब है ये 8 गलत था, है ना, 15 तो यहाँ होना नहीं चाहिए। अच्छा, 11 के बाद 12 यहाँ हुआ, अब 13 यहाँ होगा, नहीं, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 यहाँ होगा। चलिए ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ गया अब यहाँ से, तो हम लोग कोशिश करते हैं। ग्यारह के बाद 12, 12 के बाद 13 यहाँ हो जाएगा ना, एक मिनट, अरे बच्चों देखते हैं, 13 यहाँ अगर हमने किया ऊपर, तो ये हुआ 14, अब 14 के बाद लेकिन 15 यहाँ होना चाहिए, अब ये 16, ये भी गलत है, तब यहाँ 16 होगा, 16 के बाद 17, 18, 18 के बाद ये 19, ये 20, जब 20 के बाद 21 ऊपर चला गया, 21, 22, अरे रे रे रे, सिस्टम तो चेंज होता जा रहा है, 22 के बाद यहाँ हुआ 23, यहाँ 24,
24 के बाद 25, इसका मतलब है ये भी गलत है, ये 26 होगा। 26 के बाद 27, ये भी गलत है भाई, यहाँ होगा 28, और 28 होगा तो यहाँ कितना होगा भाई, ये होना चाहिए था फिर 29, मगर यहाँ ये खाना, इस खाना में क्या भरेंगे, तो बड़ा भयानक मसला है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सब तरफ उल्टा पुल्टा हो रहा है, हो ही नहीं रहा सॉल्व। बच्चों सॉरी, ये तो सॉल्व होने से रहा, आपके बुक में गलतियाँ बेशुमार हैं और हम इसमें माजरत खा हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे करके कि क्या होता है। अच्छा, खाली खानों में तरतीब से गिनती लिखिए, ये तो आसान है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः लिखा है, सात, आठ, नौ, दस के बाद ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। अच्छा ये देखिए, लिखने में गलती हुआ, ये चौदह यहाँ हो चुका था तो यहाँ क्या होगा, फिर से लिखना होगा, यहाँ पंद्रह से लिखना होगा ना, एक मिनट, पंद्रह से लिखना होगा, हम लोग लिखते हैं बच्चों, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस हो गया, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस है, अब क्या लिखेंगे, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, वाह ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं, ये देखिए यहाँ आइए, इनमें मुनासिब रंग भरें, तो ये आप लोगों को रंग भरना है, आप लोग रंग भरिएगा। अच्छा यहाँ पे इस सफ़े में जो प्रॉब्लम हुआ है, इसका वो हम आपको बंगला बुक से दिखाते हैं कि यहाँ गड़बड़ी क्या है। देखिए ये बनाने वाले की गड़बड़ी है, उसने खाना बनाने में बहुत गड़बड़ियाँ की हैं और वो तरतीब से नहीं है। देखिए बंगला बुक में क्या है उसको देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ देखिए शुरू इस साइड से हो रहा है, यहाँ खाली है, हमारे बुक में क्या है वो बना हुआ, तो यहाँ देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ। हम बंगला को उर्दू में लिख देते हैं पहले कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए उर्दू बुक में भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे 28 है, यहाँ 21 है, यहाँ 15, 11, 8, उर्दू बुक में नंबर वैसे ही लिखा गया, लेकिन ये जो लकीर है, लकीर बनाया हुआ गलत है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं पहले, यहाँ कहाँ कितना लिखा हुआ ये हम आपको बता दें, यहाँ लिखा हुआ है ज़ीरो, यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आठ, यहाँ लिखा हुआ है ग्यारह, यहाँ लिखा है पंद्रह, आगे यहाँ लिखा है इक्कीस, और आगे यहाँ देखिए कितना है, अट्ठाईस, और यहाँ 30। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरू है, ठीक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, देखिए आठ एकदम बिल्कुल सही आया, ये हुआ नौ, नौ के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया है, ये है 10 और वहाँ 11 बिल्कुल सही जगह में है, ठीक है। अब 12 कहाँ होगा, देखिए 11 के बाद 12 कहाँ होगा, यहाँ होगा 12, 13, 14, 14 के बाद 15 बिल्कुल सही जगह में है, चलिए उसके बाद में 16, 16 के बाद 17 सही जगह में है, 18, 19, 19 के बाद 20 कहाँ है, देखिए यहाँ है, ये देखिए खाना सही है, सही धाप के मुताबिक अगर चलिएगा सीढ़ी पे तो आप कामयाब होइएगा, नहीं तो फिसल के गिर जाइएगा, तो उर्दू वालों को फिसला दिया गया, ठीक है, उल्टा पुल्टा बना दिया गया नक्शा, जिसके वजह से परेशानी हुई हम लोगों को और समझ में नहीं आता है कि इसके बाद यहाँ 22 है। देखिए 22 करते हैं,
बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस। तो दोस्तों देखा कितना अच्छे तरीके से ये हल हुआ, इजी है बच्चों, अच्छा लगा। तो अब हम लोग इसके बाद यहीं तक हम लोगों का आज काम था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। उर्दू में ये जगह जगह गलतियां हैं क्योंकि ये बनाया हुआ ही उल्टा पुल्टा है, ये जो थाप बनाया हुआ है वो सही नहीं है, कई थाप ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ नीचे में भी एक थाप ज़्यादा है जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर में भी एक थाप ज़्यादा है, यहाँ पे क्या लिखे हैं अब समझ में नहीं आ रहा है, कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक है। तो ये बनाने वाले की गलती है जिसके वजह से हम लोगों को इतनी परेशानी हुई। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हिसाब बना, इस हिसाब को हमने लास्ट वाले खाने में बना दिया है बंगला पेज से। तो इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट, फिर मिलेंगे हम लोग, और इसी तरह हम लोग 10 पेज, 5 पेज, 7 पेज करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि स्कूलों में बहुत आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को नवंबर से पहले थर्ड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में भी आएगा पूरा मामला और हमें भी हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हमें खुशी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।